हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एम एन एस टारगेटिंग एम एन एस ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो टुडे वी आर सॉल्विंग इंग्लिश मिनी मॉक्स ठीक है एंड टोटल फिफ्टी एम सी क्यूज़ आदे है सो ऑल द बेस्ट गाइस प्लीज़ कम एंड आउन योर रिजल्ट्स टू ओके अगर आप इसे एज एग्जाम नहीं ले रहे हो देन प्लीज़ इसे एज एग्जाम ही ले क्यों क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट uh, मंथ के एंडिंग तक और स्टार्टिंग तक ठीक है आपके फॉर्म्स आ जाएं तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए क्योंकि लॉट्स ऑफ टाइम इज ऑलरेडी गॉन ठीक है अभी भी आप ऐसे स्लो चलेंगे तो काम नहीं चलने वाला है स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस का सिनोनिम विजन अंडरस्टैंडिंग नथिंगनेस अवेयरनेस बोलते हैं ना दिस पर्सन इज कॉन्शियसनेस कॉन्शियस है ठीक है ये पर्सन क्या है कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस होता है अनकॉन्शियस मतलब उसे कुछ भी होश नहीं है अनकॉन्शियस का मतलब होता है दैट पर्सन इज वो समझ रहा है बात को ठीक है तो विजन अंडरस्टैंडिंग नथिंगनेस अवेयरनेस कई बार ये दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे आधे बच्चों ने अंडरस्टैंडिंग आधे ने अवेयरनेस चूज़ किया होगा बट लेट मी टेल यू द आंसर इज अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि आप अभी कॉन्शियस है आप मेरे बातों को समझ रहे हो अंडरस्टैंड कर रहे हो ठीक है अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता ऑप्शन में देन द आंसर विल बी अवेयरनेस बट द फर्स्ट प्रायरिटी की अगर बात करें हायर की बात करें देन द फर्स्ट विल बी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ दिनोनिम ऑफ कैलिबर कैलिबर का क्या सिनोनिम है सो ऑप्शंस आर करियर कैपैसिटी कामनेस क्राउड सो द राइट आंसर इज कैपेसिटी कैलिबर इज कितनी तुम्हारी क्षमता है कहते हैं न कि तुम कितना कर सकते हो कितनी कैपैसिटी है ठीक है दैट इज नॉन एज कैलिबर नेक्स्ट मार्क द सिनोनिम ऑफ वेंडर इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस है आप एक बार पूरा फिफ्टी क्वेश्चंस करके देखिए इसमें आपको एरर डिटेक्शन वन वर्ड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच करेक्ट स्पेलिंग सब सारे टॉपिक्स कवर किए मैंने ठीक है सो मार्क द सिनोनिम ऑफ वैंडर रेस रेसलर गैलॉप रोम सो वैंडर का मतलब होता है कई बार हमारे रिलेटिव्स या अगर हम स्कूल में कहीं अपने क्लास से निकलते हैं और सामने से कोई टीचर आ जाता है तो बोल देता है आपको आर यू वैंडरिंग हेयर है ना वैंडरिंग मतलब रोमिंग ठीक है रोमिंग मतलब इधर उधर ऐसी फालतू फिजूल घूमना दैट इज़ नॉन एज रोमिंग रोमिंग हेयर एंड देयर राइट तो रोम ठीक है नेक्स्ट सिनोनेम ऑफ परसुट परसुएट का सिनोनिम बताना है डेटर हिंडर कोएक्स restrain सो so, परसुएट का मतलब होता है मनाना ठीक है आप किसी को किसी काम के लिए मनाते हो कि यार प्लीज़ कर दे दैट इज नॉन एज यू आर परसुएडिंग दैट पर्सन ठीक है ऑप्शन देखिए डेटर हिंडर कोएक्स restrain तो इसका राइट right आंसर है ना वो कोएक्स होगा ठीक है कि आप परसुएट कर रहे हो कोएक्स मतलब भी मनाना होता है और एक और वर्ड हो सकता है काजोल कैजोल सॉरी कैजोल सी ए जी ओ एल ई इसका मतलब भी परसुएज ही होता है ठीक है हिंडर मतलब होता है हिंड्रेंस हमने केमेस्ट्री में वर्ड यूज़ किया होगा कि हिंड्रेंस हो जाती है हिंडर मतलब ऐसे वाइब्रेट हो जाना ठीक है या बीच में कोई ऑब्स्टिकल आना या बेस्ट आंसर इज ऑब्स्टिकल कोई बाधा आना दैट इज़ नॉन एज हिंडर नेक्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स यहाँ पे नया टाइप का हमारे क्वेश्चन देखने को मिलता है डू नॉट लुक डैश ऑन वुमेन डू नॉट लुक डैश ऑन वुमेन ये एक वी कैन से फ्रेजल वर्ब है अप डाउन राइट और लेफ्ट डू नॉट लुक राइट ऑन वुमेन राइट साइड क्यों देखना है आप ऐसे देखो तो ये ऑप्शन हट जाता है राइट साइड नहीं देखा तो लेफ्ट साइड भी नहीं तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा अप एंड डाउन do not look up on the woman and do not look down on the woman look down होगा इसका आंसर look down का मतलब होता है weak आप उसे कमज़ोर ना समझे ना women को कमजोर ना समझे तो do not लुक डाउन लुक डाउन इज अ फ्रेजल verb ठीक है नेक्स्ट आई डैश हिम ऑन दिस पॉइंट आई एग्री टू हिम ऑन दिस पॉइंट आई एग्रींग विद म ऑन दिस पॉइंट आई एग्रीड विथ हिम ऑन दिस पॉइंट आई एडमिटेड टू हिम ऑन दिस पॉइंट सो माई क्यू आंसर गाइज एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज आई एग्रीड विद कि मैं इससे यू नो एग्री के साथ हमेशा विद आता है टू आता ही नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं ठीक है ना एग्री विथ आई एग्रींग विथ नहीं होगा आपको खुद ही लग रहा है सेंटेंस अधूरा आई एन जी कब लगता है आई के बाद एम हो तो ठीक है आई एम डूइंग ठीक है आई डू आई डूइंग नहीं होता है ठीक है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है आपके पास क्या बचता है ऑप्शन सी दैट इज एग्रीड विद आई एग्रीड विद हिम ऑन दिस पॉइंट में इस पॉइंट पे सामने वाले पर्सन से एग्री करती हूँ नेक्स्ट एरर डिटेक्शन बताना है ये पूरी एक सेंटेंस है आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम अ सेंट्रो एंड ऑप्शन डी है नो एरर आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम अ सेंट्रो तो आई वॉन्ट टू एक्सचेंज नो एरर माई मारुति मुझे अपनी मारुति चेंज करनी है क्यों क्योंकि मुझे सेंट्रो लेना है फ्रॉम अ सेंट्रो नहीं आएगा फॉर अ सेंट्रो आएगा ठीक तो है तो यहाँ एरर कहाँ है एरर सी में है फ्राम नहीं आएगा फ्राम नहीं आएगा क्या आएगा फॉर मुझे अपनी मारुति एक्सचेंज करनी है सेंट्रो के लिए सो फॉर अ सेंट्रो ठीक है सेंट्रो से एक्सचेंज नहीं करनी है सेंट्रो से आप कैसे अगर आपके पास दो पेंसिल है पिंक पेंसिल और ब्लू पेंसिल है तब आप कह सकते आई वॉन्ट टू एक्सचेंज पिंक पेंसिल फ्रॉम ब्लू पेंसिल ठीक है क्यों उस टाइम पे क्योंकि दोनों इक्वल है अब मारुति थोड़ा लो है सेंट्रो थोड़ा हाई है राइट तो आप उसको ऐसे ही नहीं कि हाँ एक्सचेंज आपको एक्स्ट्रा मनी भी देना पड़ेगा सेंट्रो के लिए तो सेंट्रो के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं तो फॉर अ सेंट्रो ठीक है नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स द स्ट्रेंजर डैश लिविंग हेयर सिंस टू थाउजेंड द स्ट्रेंजर आर स्टिल लिविंग द स्ट्रेंजर हैव बीन लिविंग द स्ट्रेंजर आर विल लिविंग द स्ट्रेंजर बी लिविंग तो मैंने ऐसे पढ़ा है वैसे ही आपको पता चल गया होगा कि आर विल नहीं होगा द स्ट्रेंजर आर विल लिविंग नहीं ठीक है द स्ट्रेंजर बी लिविंग दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट राइट आंसर क्या है द स्ट्रेंजर आर लिविंग वो रह रहा है पहले से रह रहा है ठीक है टू थाउजेंड से रह रहा है सिंस आया है ठीक है तो आर नहीं होगा हैव बीन ठीक है द स्ट्रेंजर हैव बीन स्टिल दॉरी द स्ट्रेंजर हैव बीन लिविंग हेयर सिंस टू थाउजेंड वो यहाँ दो हजार ईयर मतलब टू थाउजेंड जो ईयर है तब से ये रह रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन filling in the blanks the specialist dash you want to meet is available only on thursdays ye yahan pe ho sakti hai error the specialist specialist kya hai person hai theek hai to specialist which nahi aayega which किसी place के लिए Which मतलब कहाँ ठीक है तो किसी place के लिए द अगर हम इसे हिंदी में देखें तो क्या होगा The specialist, वो specialist जिससे आप ठीक है यहाँ पे क्या आएगा जिससे हम बोलते हैं ना जिससे आप मिलना चाहते हैं वो आपको सिर्फ थर्सडेज को मिलेगा ठीक है द स्पेशलिस्ट होम क्या होगा द स्पेशलिस्ट होम यू वॉन्ट टू मीट इज अवेलेबल ओनली ऑन थर्सडेज सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन एरर डिटेक्शन अगेन दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन ध्यान से देखिए बहुत ईजी है देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो बंगलो के सामने एक एक्सटेंसिव लॉन है स्लैश नो एरर तो ध्यान से देखिए देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो तो लॉन की बात की जा रही है तो एक ही लॉन है तो देयर वर नहीं आएगा क्या आएगा देयर वॉज एक ही लॉन था ठीक है तो एक ही के लिए हम क्या यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए वॉज यूज़ करेंगे प्लूरल होगा तभी तो वर यूज़ करेंगे तो लॉन के लिए यहाँ पे वॉज यूज़ होगा दैट्स वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग द सिंगुलर के लिए हम वॉज यूज़ करेंगे देयर वॉज ठीक है अब वॉज आया तो एक और चीज़ का ध्यान रखिए एक्सटेंसिव है सो ए ई आई ओ यू दैट इज आर्टिकल्स तो क्या लगेगा वॉज के बाद एन ठीक है तो देयर वॉज एन एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो ठीक है क्या होगा देयर वॉज एन एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो एरर डिटेक्शन है ना जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको यू you नो know, एक बार में आप इजीली कवर कर पाओगे कुछ एरर डिटेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे क्या था अभी वॉज वर सिंगुलर का कन्सेप्ट था कुछ होते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट होता है कहीं कहीं पर स्पेलिंग्स मिस्टेक होती है तो आगे भी एग्जाम्पल देखते हैं ये देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा मैंने यहाँ पे अभी जो तीन टाइप्स बताया ना उसमें से एक है ये भी ठीक है एरर डिटेक्शन है वाइज मैन फॉलो नोबेल आइडियाज़ वेयर एज़ फूल्स डिस रिगार्ड देम जो वाइज लोग होते हैं वो अच्छे आइडियाज सेलेक्ट करते हैं वेयर एज जो फूल होते हैं मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो उसे छोड़ देते हैं डिसरिगार्ड कर देते हैं नो no एरर सो लेट मी टेल यू यहाँ पे स्पेलिंग एरर है ठीक है एक बार आप देख फिर देखिए स्पेलिंग एरर है कहाँ है स्पेलिंग एरर सो ऑप्शन ए में ही है वाइज मैन नो फॉलो नॉवल ये जो नॉवल का स्पेलिंग है ये नॉवेल प्राइज के लिए यूज़ किया जाता है ई e और एल का ही डिफरेंस होता है बस ठीक है बट हम जिस नॉवेल की बात कर रहे हैं उसमें एन ओ एन ओ बी एल ई -E होता है ठीक है क्या होता है एन ओ बी एल ई तो एन ओ बी एल ई आएगा एन ओ बी ई एल नहीं आएगा सो so आप देख सकते कितना माइन्यूट है ठीक है तो पहले तो आपको जब भी एरर डिटेक्शन मिले तो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को ही देखेंगे ठीक है एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपको सब सही मिलती है उसके बाद आप उस सेंटेंस को जिसको आपने पढ़ा उसको थॉरेली बिना देखे पढ़ना है तो आपको ना आप ऑलरेडी क्या होता है कि आपने बहुत बार अगर ऐसे सेंटेंसेस देखे होते हैं ना ऐसा स्ट्रक्चर देखा होता है तो ऑलरेडी जो सही है ना आप वो बोल देते हो कई बार ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के हैं मोस्टली उनके साथ ऐसा ज़रूर होता है ओके नेक्स्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस द लॉयर इंसिस्टेड ऑन हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना इन ब्लैक एंड वाइट ठीक है इसका मीनिंग बताना है. ये एक ईडियम है इन राइटिंग ओरली फिगरेटिवली ऑब्लिकली मतलब लॉयर ने बोला है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें तो ब्लैक एंड वाइट में करना पड़ेगा मतलब कुछ भी ओरली नहीं होगा बोल कर नहीं होगा फिगरेटिव मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से आइडिया लेके नहीं होगा ऑब्लिकली नहीं होगा क्या होना चाहिए रिटर्न में होना चाहिए हम रिटर्न करते हैं तो ब्लैक एंड वाइट ही तो होता है ब्लैक मान लीजिए इंक जो है हमारा ब्लैक है एंड वाइट मीन्स पेपर ठीक है सो तो पेन एंड पेपर से हम कर रहे हैं तो इन राइटिंग होना चाहिए नेक्स्ट एरर डिटेक्शन दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो लास्ट वाला हमने किया उसी टाइप का ये द नेवेल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फॉर्ट द पायरेट्स हु हैड लूटेड एंड प्लन्डर्ड फॉर मैनी ईयर्स नो एरर तो आप पहले एक बार देखिए क्या स्पेलिंग एरर है अगर नहीं है तो वॉज वर कहीं पर इशू है वॉज वर तो कहीं लिखा ही नहीं दिख रहा देन यू विल चेक कि कहीं पे सेंटेंस uh, फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक है या नहीं ठीक है तो पहले स्पेलिंग द नेवल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फॉट द पायरेट्स हु हैड लूटेड एंड प्लंडर्ड फॉर मेनी ईयर्स तो नेवल ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है नेवी के ऑफिसर्स राइट रिलेटेड टू योर नेवी तो नेवल नेवी की स्पेलिंग क्या होती है एन ए वी वाई और अगर हम इसे नेवल लिखते हैं तो क्या होता है एन ए वी ए एल ठीक है तो एन ए वी ई -E एल यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है दिस नेवल इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी विच मीन्स विच मीन्स हम बोलते हैं ना ना भी द होल इन अ टमी दैट इज़ योर नेवल ठीक है बट आपको क्या बोलना है नेवल ऑफिसर्स नेवी के ऑफिसर्स तो एन ए वी ए एल होगा दैट्स वाई ऑप्शन ए ठीक है तो यहाँ पे क्या था स्पेलिंग एरर था नेक्स्ट एरर डिटेक्शन ही एक्टेड नॉट एज़ पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स नो एरर यहाँ पे हो सकता है बहुत लोगों को एरर ना मिले क्योंकि ये जो सेंटेंस है ओके लेट मी टेल यू ये सेंटेंस आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपको आधा अधूरा लगेगा आप क्या बोलते हो अगर मान लीजिए आपने हिंदी में सेंटेंस को कन्वर्ट किया तो आप ऐसे बोलोगे उसने मेरी एडवाइस नहीं ली पर उसकी बट यही ही लिखोगे पर उसकी नहीं आप पूरा बोलोगे पर उसकी एडवाइज ली ठीक है तो ही एक्टेड नॉट एज पर माय एडवाइस बट समबडी एल्स बट किसी और की क्या एडवाइज बट समबडी एल्स एडवाइस ठीक है तो एल्स के बाद ई एल एस ई एस एल्स एडवाइज हम ऐसे बोलते हैं ना एलसेस एडवाइस अब एक बार एडवाइस लिखा है तो दूसरी बार आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा बट एलसेज तो लिखना पड़ेगा पर किसी और की यूज़ की ठीक है अब क्या ही उसकी दैट इज़ द कॉमन सेंस की ऑब्वियसली मेरी एडवाइज़ नहीं की तो उसकी एडवाइज़ यूज़ की होगी राइट तो एलसेज आएगा यहाँ पे समझ रहे हो आप या फिर ऐसे कहते हैं ना आप कि अगर आप नाम ले लो ठीक है यहाँ पे तो इजी हो जाएगा दैट ही एक्टेड नॉट एज़ पर माय एडवाइस बट श्याम ठीक है बट श्याम नहीं होगा बट श्याम्स एडवाइस ठीक है हम बोलते हैं ना श्याम्स मदर श्याम्स फादर श्याम्स फ्रेंड श्याम्स एडवाइस ठीक है तो वैसे ही होता है श्याम्स अगर सिर्फ श्याम होता है तो हम क्या करते होता तो हम ऑब्वियसली एफ्रॉफी एस लगाते फिर बोलते बट श्याम्स ठीक है तो वैसे ही यहाँ पे एल्स में एफेस्ट्रॉफी एस होगा आई होप यू गेट माई पॉइंट सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो राइट right आंसर होगा नेक्स्ट राइट द ऑपोजिट ऑफ वर्च्यू वर्च्यू का ऑपोजिट लिखना है वाइज फूल अनट्रू और डिफीट करना डिफीट यानी हरा देना तो ऑपोजिट ऑफ वर्च्यू वर्च्यू का मीनिंग क्या होता है कि दिस इज लाइक मूर्खता ठीक है लाइक फूल ठीक है ये जो है ये इसका सिनोनेम हो जाएगा वर्च्यू का इसका राइट right आंसर क्या है वाइस क्या होना वाइस होना बोलते हैं ना ये वाइस कैप्टन है ये वर्च्यू कैप्टन है ओके okay? ऐसे आप इसे बोल सकते हो तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट वी हैव वॉट इज द ऑपोजिट ऑफ इवेजिव नाइस वर्ड इवेजिव का क्या मीनिंग है अच्छा इवेजिव मतलब मैं आपको बता देती हूँ ऑपोजिट बताना है ठीक है तो इवेजिव का मतलब होता है अनक्लियर इवेजिव मतलब क्या होता है अन क्लियर होना मतलब स्पष्ट ना होना तो इसका ऑपोजिट क्या होगा देखिए एलिमिनेट भी कर दिया है मैंने यहाँ आप पे आपके लिए एक ऑप्शन और मीनिंग भी बता दिया है कैटेगरिकल डिफिनाइट एक्सप्लिसिट तो मैंने इससे पहले सिनोनिम्स की जो क्लास करवाई है उसमें मैंने वर्ड आपको बताया था एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर होना ऑब्वियसली ठीक है ऑपोजिट है इवेसिव मतलब अनक्लियर एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर ठीक है ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है दोनों आप नोट कर लीजिए कहीं पे ठीक है अगर आप मेरे क्लास में हैं हैव अ नोटबुक विद यू हैव अ पेन विद यू एंड स्टार्ट राइटिंग प्लीज नेक्स्ट एरर डिटेक्शन द चेयर्स इन द रूम आर इन अ स्टेट डिसरे द चेयर्स इन द रूम जो रूम में जो चेयर्स हैं ठीक है आर इन अ स्टेट डिसरे मतलब डिसऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए हैं ठीक है अगर मान लीजिए आप किसी का स्टेट बताते हो फॉर एग्जाम्पल मैटर का स्टेट बताते हो तो आप बोलोगे क्या है फॉर एग्जाम्पल गैशियस स्टेट है ठीक है अगर आप गैशियस स्टेट लिख सकते हो या तो आप लिख सकते हो स्टेट ऑफ गैस ठीक है क्या लिखोगे स्टेट ऑफ गैस स्टेट गैस तो नहीं लिख दोगे है ना कौन सा स्टेट है ऑफ़ गैस गैस का स्टेट है तो ऑफ़ डिनोट हेयर व्हाट का हिंदी में जो का है उसे ऑफ यहाँ पर डिनोट कर रहा है तो वैसे ही यहाँ पे स्टेट डिसरे स्टेट डिसऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा डिसऑर्गेनाइजेशन स्टेट के बाद ऑफ आएगा समझ रहे हो आप बात स्टेट के बाद क्या आएगा ऑफ आएगा तो यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते एक कुछ ऐड करना था द चेयर इन द रूम आर इन अ स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ डिसअरेंजमेंट ठीक है नेक्स्ट एरर डिटेक्शन अगेन अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पर द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड नो एरर अच्छा फॉर दिस क्वेश्चन मैं आपको एडवाइज़ करती हूँ कि आप जल्दी 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 जल्दी, जल्दी इस सेंटेंस को रीड करो ठीक है एंड अगर आपके मन में आपके कुछ भी स्प्लिट स्पिट आउट होता है अगर आपके मुँह से कुछ भी स्लिप uh, होता है तो आप उसे भी बोलना ठीक है करके देखिए रीड फास्टली ओके सो मैं ट्राई करती हूँ अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेम्प्रोर द वर्ल्ड हैव हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड तो आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या बोला रिगार्डेड एज ऑब्वियसली रिगार्डेड के बाद एज लगता है ठीक है मोस्ट ऑफ़ द टाइम एवरी चाइल्ड सबको पता है कि रिगार्डेड के बाद क्या लगता है एज लगता है तो ऑब्वियसली यहाँ वे मिस्टेक है रिगार्डेड के बाद एज लगाया ही नहीं है ठीक है कितना ईजी था बहुतों ने कर लिया होगा खुद से आई आई गारंटी यू नेक्स्ट वॉट इज द ऑपोजिट ऑफ रिलेंटलेस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो नहीं पढ़ रहे हो इंग्लिश स्टिल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो जेंटल सेंसिटिव यील्डिंग काइंड तो रिलेंटलेस का मतलब होता है ना बेचैन हो जाना ठीक है शांति नहीं है एकदम आप स्टेबल नहीं हो तो दैट इज रिलेंटलेस ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन बिजनेसमैन है और रिलेंटलेस है यानी कि बेचैन है उसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या उसका प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा ला आ, मतलब फाइनेंशियली एंड बिजनेस की बात करें तो बिज़नेस में वो अच्छा यील्डिंग या अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा ठीक है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा यील्डिंग हो जाएगा कि वो बंदा जो है यील्ड कर रहा है यानी कि ग्रो कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मीन्स वो बेचैन नहीं है दैट पर्सन इज़ अ स्टेबल वन ठीक है नेक्स्ट ऑपोजिट ऑफ हॉस्टिलिटी हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनमिटी ठीक है यानी कि दुश्मनी करना हॉस्टिलिटी करना एनमिटी और एनिमी वी कैन से दुश्मन ठीक है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा अब तो आपको इजिली पता चल जाएगा फ्रेंडशिप पार्टनरशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप अगर हम हरकी के रेंज से देखें यानी कि रैंकिंग वाइज देखें तो पहले क्या आता है फ्रेंडशिप तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ठीक है ऑपोजिट ऑफ हॉस्टिलिटी फ्रेंडशिप तो आप ना ऐसे करो अगर आप लिख रहे हो तो हॉस्टिलिटी लिखो फिर डैश दे के उसका मीनिंग क्या हुआ वो लिखो कि एनिमिटी एनिमिटीज़ का मीनिंग होता है ठीक है यानी कि दुश्मनी अगर इंग्लिश में याद ना रहे तो ब्रैकेट में नीचे हिंदी में लिखो क्या दुश्मनी ठीक है एंड उसके बाद उसका एक और एन एं, एंटीमिटी के बाद डैश दे के लिखो क्या फ्रेंडशिप ठीक है तो पहले वर्ड देन इट्स मीनिंग मीन्स सिनोनेम और उसके बाद उसका एंटोनेम ऐसे करके लाइन से लिखिए। लिखी पेरेंट्स फॉर बर्थडे पार्टी ठीक है Next, so birthday party. मुझे अपने आ, मुझे बर्थडे पार्टी के लिए अपने पेरेंट्स से एसेंट लेना होगा तो क्या मोस्ट ऑफ द पीपल समझ गए का मीनिंग एसेंट मीन्स परमिशन लेना होगा क्या लेना होगा ऑब्वियसली परमिशन लेना होगा सो so, ऑप्शन देखें यहाँ पे क्या क्या है एसेंट के लिए सेपरेट कंक्लूजन डिसेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट कितने लोगों ने मेरे मीनिंग बताने से पहले ही ऑप्शन सी टेक कर दिया होगा सो यहाँ ऑप्शन सी ही राइट right आंसर है वैसे तो एसेंट मतलब परमिशन लेना डिसेंट मतलब परमिशन नहीं लेना ओके okay? अपनी मन मर्जी का मालिक दैट इज डिसेंट नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस वंस इन अ ब्लू मून ठीक है इसका मीनिंग क्या होता है वंस इन अ ब्लू मून आई गो टू आई यूज टू गो टू वॉच मूवीज वंस इन अ ब्लू मून ठीक है मतलब एवरीवेयर रेयरली सीक्रेटली फॉर एवर अच्छा मून जो है अगर वो आ, निकलता है तो वो सीक्रेटली नहीं निकलता ठीक है वो सबको दिखाई देगा अगर मून निकलेगा तो सीक्रेटली हटा दो ठीक है अब ब्लू मून की बात की जाती है ब्लू मून क्या आप रोज़ रोज ब्लू -रोज मून देखते हो नहीं नहीं तो एवरीवेयर भी नहीं होगा ठीक है फॉर भी नहीं होगा कि हर जगह ब्लू मून नहीं देखते हो फॉर मतलब हमेशा नहीं देखते हो वजह क्या रेयरली तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी कभी कभी बहुत कम च, ऐसा होता है कि ब्लू मून आपने देखा हो तो वंस इन अ ब्लू मून यानी कि रेयरली मैं मूवी देखने जाती हूँ समझ गए नेक्स्ट होल्ड योर टंग होल्ड योर टंग का मतलब क्या होता है कभी मम्मी बोलती है कि संभल के बोलो हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में संभल के बोलो उसको इंग्लिश में बोलते हैं होल्ड योर टंग दैट इज़ स्टिक आउट द बी साइलेंट कूल द टंग गागल ऑब्वियसली इसका आंसर सबको पता चल गया होगा दैट इज़ बी साइलेंट शटअप ओके दैट इज होल्ड योर टंग नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज है रीड बिटवीन द लाइन्स लाइन्स के बीच में पढ़ना इफ दिस इज द लाइन दिस इज द लाइन एंड दिस इज द लाइन फॉर एग्जाम्पल लेट मी ओके दिस आर द टू लाइन्स ठीक है आप इसके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हो बट इसके बीच में पढ़ना समझ रहे हो बात को दैट मीन्स स्ट्रेनियोराइज रीड इन सीक्रेट फाइंड आउट द इनर मीनिंग रीड ऑन एंट आई लेटर्स इसका मतलब ये होता है रीड बिटवीन लाइन का मतलब होता है कि कुछ तो लिखा है उसका आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग निकालना है जो अंदर की जो मीनिंग है ठीक है वो निकालना है दैट इज फाइंड आउट द इनर मीनिंग कि वो कहना क्या चाहता है ठीक है नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ध्यान से देखिए ही इज एन टू अ रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी ही इज एन टू अ रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी तो क्या होगा टाइटल्ड एन टाइटल टू एन टाइटल्ड एंड नो इम्प्रूवमेंट तो ध्यान से देखिए आपको पता चल जाएगा ये सही है बिल्कुल ठीक है एन टाइटल ऑब्वियसली टू आने से पहले ई डी लगेगा और ई डी लगा है तो टू लगेगा ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट होते हैं टाइटल डज मेक एनी सेंस ऑप्शन डी दैट इज नो इम्प्रूवमेंट ही इज एन टाइटल टू अ रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी नेक्स्ट ईडियम एन फ्रेज़ है टेकन अबैक टेकन अब कर देना यानी कि पता ही नहीं था सामने वाले ने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बट आपने वो करके दिखाया ठीक है ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है या फिर आपके पेरेंट्स को ये क्लियर नहीं है ऑब्वियसली कि आप एम का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे या नहीं बट इस साल आप उन्हें टेकन अब कर देते हो यानी कि क्या कर दोगे अनॉय सरप्राइज हर्ट और प्लीज दैट मीन सरप्राइज अगर आप उन्हें सरप्राइज कर देते हो क्लियर करके अपना एग्जाम दैट इज नॉन एज टेकन अ बैक ठीक है इंपॉर्टेंट है ये इीडियम नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट ध्यान से देखिए द साइट चूजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग इज गुड जो प्लेस साइट का मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग होना चाहिए द प्लेस जो आपने चूज किया है स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए वो अच्छी प्लेस है ठीक है तो इसका यहाँ पे साइट में बताना है अंडरलाइन किया हुआ है साइट आई साइट साइड और नो इम्प्रूवमेंट तो साइट जो होता है ना साइट मतलब एक व्यू को बोलते हैं आई साइट तुम्हारे आई की जो व्यू है उसको आई साइट बोलते हो तो ये स्पेलिंग वहाँ यूज़ होती है करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए साइट ठीक है कई बार अगर आपके घर में कोई ऐसे पर्सन हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो वो बोलेंगे ना कि हाँ मैं साइट पे जा रहा हूँ ठीक है साइट पे मुझे कुछ काम है तो क्या है द साइट चूजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग इज गुड नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट से उसको कंसिडर करना है ठीक है हर एक पॉइंट से जो हमारा मेन मैटर है मेन जो इशू है उसको कंसिडर करना है तो इन एवरी से हर एक पॉइंट से दैट इज फ्रॉम एवरी पॉइंट ठीक है हम बोलते हैं ना हर एक पॉइंट से वी हैव टू चेक द स्पेलिंग्स ठीक है हर एक पॉइंट से वी हैव टू चेक यानी कि फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव टू चेक ठीक है तो फ्रॉम यूज़ करता है फ्रॉम डिनोट्स से तो यहाँ पे से आएगा तो फ्रॉम ओके नेक्स्ट यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ विद न्यू आइडियाज तो अकस्टम के साथ विद तो लगता ही नहीं है ठीक है यहाँ पे ये एरर है तो विद नहीं लगेगा तो क्या लगेगा ये ऑब्वियसली ऑप्शन ए हट गया विद नहीं लग रहा है ठीक है तो बी लगेगा या तो सी लगेगा नो no इम्प्रूवमेंट का तो अब सवाल ही नहीं है तो अकस्टम्ड टू या अकस्टम योर सेल्फ़ टू तो योरसेल्फ सेल्फ तो मीनिंगफुल है तो हम योरसेल्फ सेल्फ़ नहीं हटाएंगे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दैट इज़ अ कस्टम योर सेल्फ़ टू यू मस्ट अ कस्टम योर सेल्फ़ टू न्यू आइडियाज़ तो मैं अपने आप को न्यू आइडियाज़ के सामने अकस्टम करना चाहिए ओके नेक्स्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अगेन विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज़ इन दिस आर ऑफ नीड इस ज़रूरत के समय में ज़रूरत के टाइम में क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो विल यू के बाद आएगा बोरो मी अ फ्यू रुपीज़ लेंड मी एनी रुपीज़ लेंड मी फ्यू रुपीज़ नो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पर दो डिफ्रेंसेस देखना है पहले तो क्या कि यहाँ पर लिखा है लैंड और यहाँ पर लिखा है बोरो दोनों में अंतर क्या है बोरो मतलब लेना क्या तुम लोगे लोगे नहीं तुम दोगे हम बात कर रहे हैं तो लैंड मतलब होता है देना ठीक है तो ऑप्शन ए हट जाता है बोरो मतलब लेना हुआ तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे लोगे नहीं क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो बोरो हट गया ठीक है ना लैंड भी अब एक और डिफरेंस देखिए एनी रुपीज और, और फ्यू रुपीज़ एनी रुपीज मतलब कोई भी पैसे दोगे क्या कोई भी क्या होता है तुम मतलब तुम बताओ कि कितने पैसे चाहिए है ना तो तुम इसीलिए कोई भी पैसे नहीं बोल सकते तुम बोल सकते हो कुछ पैसे दोगे तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट right आंसर होगा लेंड मी अ फ्यू रुपीज़ ठीक है अ का यहाँ पे नहीं था फ्यू मतलब नेग्लिजिबल अगर सिर्फ फ्यू है दैट मीन्स नेग्लिजिबल और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ ठीक है फ्यू का मतलब होता है कुछ तो दिस इज द एग्जैक्ट लेंड मी अ फ्यू रुपीज ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन द कार विद अ बर्स्ट टायर हॉल्टेड स्विफ्टली ठीक है स्टॉप्ड क्विक स्टॉप्ड फास्टली जॉल्टेड टू अ हॉल्ट नो इम्प्रूवमेंट द कार विद अ बर्स्ट टायर मीन्स कार जो है उसका टायर फटा एंड हॉल्टेड स्विफ्टली हो गया मतलब रुक गया झटके से ठीक है ऑब्वियसली झटके से रुक जाएगा तो स्टॉप्ड फास्ट स्टॉप्ड क्विक लिखा है तो क्विकली होता तो हम बोल सकते कि हाँ रुक गया जल्दी से ठीक है बट क्विक ली नहीं है सिर्फ क्विक है तो ये ऑप्शन हट जाएगा आप खुद ही देखो द तो कार विद बस टायर स्टॉप्ड क्विक ये ऑब्वियसली लग ही नहीं रहा है कि ये कोई मीनिंग है ठीक है स्टॉप्ड फास्टली भी नहीं होगा जॉल्टेड टू हॉल्ट क्या होगा जॉल्टेड टू हॉल्ट द कार विद अ बस टायर जॉल्टेड टू अ हॉल्ट जॉल्टेड का मतलब होता है झटके टू अ हॉल्ट मतलब से रुक गई द कार जो कि बर्स्ट टायर की से थी वो झटके से रुक गई जॉल्टेड टू अ हॉल्ट नेक्स्ट ओ नाइस क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग मैंने उसे कहा तुम गलत हो ठीक है ये बात तुमने बताई उसके बाद अब तुम किसी और को बता रहे हो कि यार मैंने उसे बोल दिया कि वो गलत है ठीक है तो मैंने उसे बोल दिया आई सेड हिम नहीं होगा आई टोल्ड हिम मैंने बोल दिया ना तो आई टोल्ड हिम क्या कि वो गलत है दैट वो गलत है वो गलत है तो हम क्या बोलेंगे वो गलत था क्या बोलेंगे ही वॉज़ रॉन्ग ठीक है मैंने अभी जब मैं उसे कह रही हूँ तो मैं कह कहूँगी तुम गलत हो ठीक है मैं किसी और को बताने जाऊंगी तो मैं बोलूँगी मैंने उससे बोल दिया कि वो गलत था ठीक है क्या होगा यू आर रोंग की जगह हो जाएगा ही वॉज रोंग तो आई टोल्ड हिम हाउ ही वॉज रोंग नहीं वो कैसे गलत है मैंने नहीं बताया बस इतना बताया वो गलत है तो आई टोल्ड हिम दैट यू आर रोंग मैंने उसे बताया कि तुम गलत हो नहीं वो तो हम थर्ड पर्सन से बात कर रहे थर्ड पर्सन अपने ऊपर ले लेगा कि इसने बता दिया उसे कि ये मेरे बारे में बात करी थी वहाँ पे नहीं, नहीं क्या होगा ऑप्शन सी आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज रॉन्ग मैंने बोल दिया कि तुम गलत थे ठीक है नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एन एनिग्मेटिक पर्सन इसका वन वर्ड क्या होगा यूनिक अनस्टेबल अनसुटेबल अनोएबल एनिगमेटिक पर्सन ऐसा पर्सन जिसे ना समझ ही नहीं सकते ठीक है कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाला है क्या नहीं उसका सिर पैर कुछ नहीं पता है ठीक है ऐसा पर्सन कब क्या डिसीजन ले ले किसको राइट right बोल दे किसको रॉन्ग बोल दे नहीं पता है तो यूनिक अनस्टेबल अनसुटेबल और अननोएबल तो हमें पता ही नहीं वो क्या करने वाला है तो वो हमारे लिए क्या है अन है ठीक है दैट इज़ अननोएबल ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट Idiom and phrase we have steal someone's thunder, steal someone's thunder. अच्छा इसको हिंदी में convert करे तो किसी की बिजली चुराना किसी की बिजली चुराना मतलब steal someone's all money, किसी के सारे पैसे ले लेना take credit for something someone else did, किसी और ने कुछ किया हो और तुम उसकी सारी क्रेडिट लेकर निकल लेते हो इन्जॉय द मूवी मूवी enjoy करना और heavily रेनिंग आउटसाइड बहुत तेज बारिश होना तो मूवी से तो कोई रिलेशन नहीं है ठीक है न किसी का बिजली हमने चुरा लिया है तो रेन से भी रिलेटेड नहीं अगर होता बिजली चुराना देन हाँ हो सकता है रेन से रिलेटेड हो बट किसी का हमने चुरा लिया किसी पर्सन का तो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द राइट आंसर ठीक है बिजली चुराने का मतलब होता है कि उस बंदे ने मेहनत से कुछ काम किया और तुमने उसका क्रेडिट ले लिया उसके लिए वो क्रेडिट क्या है वो बिजली थी बिजली थंडर डिनोट्स वॉट क्रेडिट ठीक है थंडर का मतलब यहाँ पे क्या है क्रेडिट तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा टेक क्रेडिट फॉर सम समवन एल्स डेड किसी और ने किया था तुमने उसकी क्रेडिट ले ली है तो तुमने उसका बिजली चुराया है नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट ट्वेंटी किलोमीटर्स आर अ गुड डिस्टेंस फार ट्वेंटी किलोमीटर्स जो है आर के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ पे एरर है ऑब्वियसली कई बार ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना ये एरर डिटेक्शन में भी आ जाते हैं ट्वेंटी फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन दे दे ए दे देता ट्वेंटी किलोमीटर्स स्लैश आर अ गुड स्लैश डिस्टेंस फार ठीक है तो ट्वेंटी किलोमीटर्स आर गलत है ट्वेंटी किलोमीटर्स ठीक है जब भी क्वांटिटेटिव अमाउंट दिया होता है और किसी डिस्टेंस uh, का मेजर हो या आर्स का मेजर हो यानी कि टाइम का मेजर हो तो क्या लगेगा इज लगेगा ठीक है तो ट्वेंटी किलोमीटर्स इज अ गुड डिस्टेंस फॉर ठीक है नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग सुपर शीलियस सुपर शीलियस का करेक्ट स्पेलिंग बताना है हैं सुपर शीलियस मतलब होता है घमंडी ठीक है बहुत ज़्यादा घमंडी होना रूड वी कैन से रूड वी कैन से तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग सुपर होगा पहले तो सुपर मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ठीक है हम ऐसे भी कह सकते हैं रूड को कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड है तो सुपर है मतलब सुपर का ये स्पेलिंग नहीं होता है बाकी सारे तो है तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है ना सुपर ठीक है सुपर शीलियस तो सुपर के बाद सी से स्टार्टिंग होगी बट यहाँ पे सुपर के बाद ई लगा है तो ये भी हट जाएगा न इन दोनों में देखिए सुपर सीलियस में क्या होता है सिंगल एल आता है तो सुपर सीलियस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इसमें डबल एल है ठीक है तो सुपर शीलियस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड फ्रेज स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल स्क्वायर में राउंड है ठीक है स्क्वायर में क्या है राउंड है अंडरस्टैंडिंग है मिसफिट है कॉम्पिटेंट है मोस्ट फिट है तो आप खुद देखिए ना ये कैसा लग रहा है स्क्वायर में राउंड कैसा लग रहा है फिट है क्या नहीं है ये फिट क्या है मिस फिट है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्या है मिस फिट नेक्स्ट इडियम एन फ्रेज टू ईट वंस ओन वर्ड्स खुद के ही शब्द खा जाना ठीक है डू नॉट फुलफिल प्रोमिस प्रोमिस किया और भूल गए बिहेव बैडली विथ समन किसी से बुरी तरह बिहेव करना टू रिमेन साइलेंट चुप चाप रहना डू नॉट इम्प्रूव वन्ज एक्टिविटी खुद की कोई गलत एक्टिविटी है उसे इम्प्रूव ना करना सो टू ई ईट व ओन वर्ड्स खुद के शब्द खा जाना मतलब चुप रहना ठीक है मतलब खुद के शब्द खा जाना या फिर कई बार हम लोग इसको एज अ वर्ड नहीं हम ऐसे भी यूज़ करते हैं कि मैं नहीं जानती हूँ कि मैंने ये जहर कैसे कैसे पी लिया क्या रियल में जहर पी लेते हैं नहीं वो जो सिचुएशन होता है उसे हैंडल करने के लिए हम चुप हो जाते हैं ठीक है थीके? सामने वाला अगर हम पे चिल्ला रहा है बट ताकि फाइट ना बढ़े फाइट ना हो इसलिए हम चुप हो जाते हैं ठीक है तो हम बोलते हैं ना मैंने ये जहर का घूट पिया है तो क्या रियल में जहर पी लेते हैं नहीं नहीं हम चुप हो जाते हैं तो ये भी वैसा ही है टू ईट वन्ज ओन वर्ड क्या तुम खुद के शब्द खा सकते हो क्या कि हाँ ये शब्द खा लिया बहुत टेस्टी है ये शब्द बहुत तीखा है ये बहुत मीठा है नो टू ईट वन्ज ओन वर्ड का मतलब होता है टू रिमेन साइलेंट चुप हो जाना ठीक है नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग देखे पेबिल प्लेबियन क्या है प्लेबियन तो पहले देखिए प्ले पी एल आएगा ऑब्वियसली तो फर्स्ट ड्रेस में पी एल तो है ही नहीं हट गया नो पी एल ई बी एन ठीक है क्या है बी एन पी एल ई बी एन तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज पी एल ई बी आई बी आई ए एन ठीक है तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक तो पी एल ई होना चाहिए और लास्ट में ए एन होना चाहिए ए एन होना चाहिए तो अब ऑब्वियसली देखो इसमें भी ए एन नहीं है इसमें भी ए एन नहीं है बचा क्या आपके पास ऑप्शन बी दैट इज़ प्लेबियन ठीक है नेक्स्ट देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दैट इज़ एन इन डायरेक्ट रेफरेंस क्या है एन इन डायरेक्ट रेफरेंस करना मतलब सामने से नहीं जाना इनडायरेक्टली जाना किसी के पास रिमार्क्स सजेशन असाइड एन इंडियो तो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी एन इंडियो दैट इज़ एन इनडायरेक्ट रेफरेंस पहले अगर आपको कहीं और अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है हेड को तो आप पहले क्या करोगे पहले आप क्लास टीचर को सबमिट करते थे वो साइन करते थे फिर वो प्रिंसिपल के पास जाता था वाइस प्रिंसिपल दैन प्रिंसिपल प्रिंसिपल से वापस आता था एंड टीचर के पास रहता था तो ये पूरा एक ऑर्डर जो है ना कि यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ दैट इज़ नॉन एज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस आपने डायरेक्टली जो प्रिंसिपल है उसे कॉन्टैक्ट नहीं किया इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ ओवर्ट ओवर्ट का ऑपोजिट क्या है ओवर्ट मतलब रिवील कर देना ओवर्ट मतलब क्या होता है रिवील कर देना सब कुछ बता देना ठीक है क्या करना सब कुछ बता देना तो इनएक्सप्लेबल एम्बिगियस कंसील्ड और मैनिफेस्ट तो इसका राइट right आंसर क्या है कंसील्ड कंसील्ड कर देना यू ना बोलते मैंने सील कर दिया कुछ भी पता नहीं यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता तो कंसील्ड यानी कि छुपा लेना कुछ भी बता नहीं देना अच्छा कंसील्ड का एक और सिनोनिम है दैट इज कोवर्ट ठीक है ओवर्ट मतलब बता देना रिवील कर देना कोवर्ड मतलब छुपा लेना ठीक है कुछ ना बताना नेक्स्ट वॉट इज द सिनोनेम ऑफ लेकॉनिक नाइस वर्ड लेकॉनिक का मतलब क्या होता है लेंदी कंसाइज सब्सटेंशियल और कोमाटोज तो लेंदी लेकॉनिक का मतलब होता है फिर उन्हें बताना है तो लेकॉनिक किसी भी चीज़ का हम लास्ट में क्या करते हैं अगर हमने कोई चैप्टर पढ़ा तो लास्ट में हम उसको समराइज़ कर देते हैं दैट इज़ समरी ठीक है तो उसी का होता है कंसाइज़ करना कंसाइज मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ है चार पाँच चीज़ पेज की आप क्या करते हो मूवी देख के आते हो अपने फ्रेंड्स को क्या करते हो कंसाइज़ करके बता देते हो कि ऐसा ऐसा स्टोरी था ठीक है पूरी स्टोरी नहीं डायलॉग्स नहीं बोलते हो आप जस्ट इन टेन टू फाइव मिनट्स में आप उसे खत्म कर देते हो कि ऐसा ऐसा हुआ था ठीक है दैट इज कंसाइज ठीक है नेक्स्ट लेंदी जो है लेंदी नहीं होगा क्योंकि लेंदी मतलब होता है उसे इलाबोरेट करना फॉर एग्जांपल आपको कोई सेंटेंस दिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और आपको इस पर पूरा पैराग्राफ लिखना है तो उसे हम कहेंगे लेंदी करना कोलेबोरेट सॉरी इलेबोरेट करना देन कोमाटोज आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा कोमाटोज का मतलब हो जाता है बेहोश हो जाना वी कैन कहते हैं हम कह सकते हैं अ टाइप ऑफ फेंट फेंटेड हो जाना ठीक है दैट इज कॉमाटोज कोमा में चल जाना बेहोश हो जाना फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट इजम एन फ्रेज है रेड टेप रेड टेप का मतलब क्या होता है ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले लेबल रेड फॉर समथिंग डेंजरस टू बी क्लियर वेरी फास्ट अ प्रोसीजर फॉर क्लोज स्क्रूनिटी कई बार बोलते हैं ना रेड टेप्ड ठीक है रेड टेप का मतलब होता है कुछ ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं आपने देखा होगा बैंक्स में जाओ तो कुछ ऑफिशियल प्रोसीजर्स हैं लीगल प्रोसीजर्स हैं या पुलिस स्टेशन के जो प्रोसीजर्स हैं या किसी भी हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स हैं उसमें हमें क्या बोलते हैं यहाँ चले जाओ उस काउंटर पर चल जाओ उस काउंटर पर चल जाओ हमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा दैट इज़ ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले टाइम लगना कुछ ऐसे ऑफिशियल प्रोसीजर्स जिसकी वजह से टाइम लगे उसे हम बोलते हैं रेड टेप नेक्स्ट ऑपोजिट ऑफ क्यूरलस क्वेरल करना ठीक है क्वेरल मतलब क्या होता है लड़ाई करना तो ऑपोजिट क्या होगा इसका स्ट्रेंज अनकम्प्लेंग आंसरेबल स्ट्रेंजर इसका राइट आंसर होगा अनकम्प्लेंग कॉरल करेंगे जब हम लड़ाई करेंगे तो हम क्या करते हैं हम कंप्लेन करते हैं बहुत ज्यादा अरे ये ऐसा है इसने ऐसे किया मेरे साथ फिर वो बोलेगा नहीं नहीं इसने मेरे साथ ऐसे किया था ऐसे किया था ऐसे किया था वैसे लड़ाई होती है ठीक है कंप्लेन होते हैं बहुत सारे तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा अनकम्प्लेनिंग की कुछ भी कंप्लेन ना करना नेक्स्ट एरर डिटेक्शन नाइस दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन आपको यहाँ पे एरर करना ही पड़ेगा देखिए ध्यान से द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट नो एरर पता चल गया द मून आर मून क्या है ए की है तो हम आर कैसे लगाएंगे मून इज होगा ना द मून इज फुल एंड द स्टार्स आर आउट स्टार्स बहुत सारे तो उसके साथ आर लगा इट्स ओके ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ नैप बोलते हैं ना एक अच्छी सी एनर्जेटिक नैप ले लेनी चाहिए नैप मतलब एक अच्छी सी झपकी ले लेनी चाहिए नींद की दैट इज़ नॉन एज नैप इसका आपको सिनोनिम बताना है नेप स्नीज सीस्टा स्नोर स्नोर मतलब तो खराटे लेना होता है ये नहीं होगा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज सीस्टा अच्छा वर्ड है ये दोनों वर्ड्स नैप मतलब एक अच्छी सी झपकी ले लेना सिनोनेम हो जाएगा सीस्टा नेक्स्ट एरर डिटेक्शन आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क मुझे जाने के लिए बाइक चाहिए बाइक होगा तो अच्छा लगेगा मुझे जाने में ठीक है कहाँ काम पे? तो हम ऐसे बोलेंगे ना आप ये वर्ड ही हटा दो जाने के लिए आपको पता चल गया तो गोइंग ठीक है जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं गोइंग आई वुड लाइक अ बाइक इन गोइंग टू वर्क नहीं टू गो टू वर्क होता है, है ना क्या होता है मुझे बाइक पसंद होगी अगर मैं जाऊंगा बाइक से टू गो टू वर्क कहाँ जाना है काम पे टू गो टू वर्क आई वुड लाइक अ बाइक टू गो टू वर्क तो वैसे ही इन कम्यूटिंग नहीं आएगा टू कम्यूट टू वर्क क्या होगा टू कम्यूट टू वर्क ये हार्ड आपको वर्ड्स देख के आपको यहाँ पे क्या करते हैं कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो कम्यूट का मीनिंग पता होगा कि जाना तो आप इजिली यहाँ पे आप वहाँ पे क्या करो रिप्लेस कर लो उसको ठीक है नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स डैश माइंड सी एंजल्स टू एवरी डे थिंग कुछ ऐसे माइंड होते हैं कैसे माइंड होते हैं वो हमें बताना है डल होते हैं क्रिएटिव होते डिफिकल्ट होते रियलिस्टिक होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव थिंग्स को देखते हैं रोज की चीजों में एंजल्स को देखते हैं तो डल माइंड जो डल होंगे वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे नेगेटिव ही देखेंगे क्रिएटिव या क्रिएटिव हो सकता है डिफिकल्ट माइंड भी नहीं और रियलिस्टिक माइंड जो होगा वो तो रियल चीजों को देखेगा जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी उसे वो एक्सेप्ट कर लेगा तो नहीं क्या होगा द क्रिएटिव माइंड सी एंजल्स एक तरफ कुआं एक तरफ खाई तो ये कैसा सिचुएशन है डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइस अ चैलेंजिंग सिचुएशन एंड अननोन सिचुएशन क्वान्टिटिव सिचुएशन तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हम हिंदी में क्या बोलेंगे तो बहुत मुश्किल डिसीजन uh, है दैट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ अ वर्ड विजनरी विजनरी का एंटोनिम बताना है विजनरी मतलब होता है जो सपनों की दुनिया में खोई रहे इमेजिनेशन ठीक है फैंटसीज दैट इज़ नॉन एज विजनरी तो इसका ऑपोजिट क्या होगा साइटेड रेगुलर प्रैगमेटिक ओपिटी सो द राइट आंसर इज हेयर प्रैगमेटिक प्रैगमेटिक मतलब प्रैक्टिकली जो सोचे ठीक है बाय हार्ट हर चीज़ को ना ले खुद का दिमाग लगा के भी सोचे दैट इज़ नॉन एज प्रैगमेटिक सो विजनरी मतलब फैंटसीज़ में रहना हमेशा इमोशंस से सोचना एंड प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकली सोचना जो सही है वो सोचना ठीक है यहाँ पे एक वर्ड है पिटी एक तो होता है पिटी पी आई टी वाई पिटी मतलब दया दया दिखाना किसी के प्रति दैट इज़ पिटी और यहाँ पे जो पिटी है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू डॉग ठीक है रिलेटेड टू डॉग सो या दीज आर द फिफ्टी क्वेश्चन कब निकल गए फिफ्टी क्वेश्चन पता ही नहीं चला एंड आई होप आपको जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक कमेंट की कितने मार्क्स आए अगर आपने इसे सॉल्व किया है तो नहीं सॉल्व किया है तो वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताएं मुझे अच्छा लगता है जान के कि हाँ कुछ और इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना हो या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप ज़रूर बताएं शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एम एक दूसरे की हेल्प करती रहे ज्ञान बांटने से बढ़ता है एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ये पहला वीडियो मेरा देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड आप प्ले में जाके चेक करो कि कितने अमेजिंग अमेजिंग मैंने स्टार्टिंग जी के टॉपिक्स कराए हैं क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम और जीके के क्वेश्चन uh, कवर करा दो तो आप देखो पहले कि मैंने जीके के कितने ऑलरेडी कंटेंट कवर कराए हाँ अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे लिख के देते हो कि ये जी का ये टॉपिक है ये क्लियर करना है ये इंग्लिश का ये टॉपिक है बायो का ये चैप्टर है साइंस का ये टॉपिक है रीजनिंग भी बोला है मुझे रीजनिंग भी जल्दी आएगा ठीक है तो आप ऐसे अगर मुझे देते हो तो उस टॉपिक को मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्दी मैं क्लियर कर दूं मैंने कितने बार बोला है। अगर आप टॉपिक लिख के दोगे तो दो से तीन दिन में वो वीडियो आपके पास जरूर आ जाएगा ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन कीप सपोर्टिंग बाय